हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल फ्रेंड्स। सो आज हम लोग सीखने वाले हैं फ्रेंड्स समरसेबल की पावर वायरिंग और कंट्रोलिंग वायरिंग कैसे की जाती है। आप किसी भी समरसेबल के पैनल को जब आप ओपन करके देखोगे तो ये सारे जो इक्विपमेंट मैंने लिए हैं वो सारे इक्विपमेंट हमें उस बॉक्स में लगे मिलेंगे फ्रेंड्स। सो करते हैं अपने समरसेबल की पावर और कंट्रोलिंग वायरिंग। तो इसके लिए हमें 230 वोल्ट चाहिए होंगे फ्रेंड्स, और जो केबल आएगी हमारी 230 वोल्ट को लेके उसमें एक न्यूट्रल होगा, एक फेस होगा और एक हमारी अर्थिंग होगी। इन तीनों वायरों को हम अपने कनेक्शन प्लेट में कनेक्ट कर देंगे और यहाँ से शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स हम अपने पावर डायग्राम की या पावर वायरिंग की। तो सबसे पहले हम अपने फेस से शुरुआत करते हैं। ये जो हमारी कनेक्शन प्लेट है फ्रेंड्स, हम यहाँ से फेस का वायर लेंगे और अपने MCB में इनपुट दे देंगे और MCB से आउट कराकर इस फेस के वायर को एम्पियर मीटर के एक टर्मिनल में दे देंगे और दूसरे टर्मिनल से आउट करा के हम फेस के वायर को ले जाएंगे कॉन्टैक्टर के पास। कॉन्टैक्टर में जो तीन टर्मिनल हैं इनके बीच वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे और कॉन्टैक्टर से आउट करा के जो हमारी कनेक्शन प्लेट है इसमें तीन टर्मिनल हैं, इसके बीच वाले टर्मिनल पर हम इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद करते हैं फ्रेंड्स अपनी कंट्रोलिंग वायरिंग स्टार्ट। तो सबसे पहले जो हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है फ्रेंड्स, उसका काम होता है मोटर को स्टार्ट करते टाइम पावर प्रोवाइड करना, और जब मोटर स्टार्ट हो जाती है तो उसके बाद ये कैपेसिटर हमारा बाईपास हो जाता है और जो रनिंग कैपेसिटर है फिर उसका काम होता है फ्रेंड्स मोटर को रोटेट कराना। तो यह बाईपास कैसे हो जाता है फ्रेंड्स हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर, इसे देख लेते हैं और इसकी वायरिंग कर लेते हैं। तो इस वीडियो में जो ऊपर वाला कैपेसिटर है वो मेरा स्टार्टिंग कैपेसिटर है और जो नीचे वाला कैपेसिटर है वो हमारा रनिंग कैपेसिटर होगा फ्रेंड्स। तो ये जो हमने एम्पियर मीटर से सप्लाई को आउट कराया है वहीं से हम इस फेज के वायर को लेंगे फ्रेंड्स और अपना जो स्टार्ट बटन है स्टार्ट पुश बटन उसमें कनेक्ट कर देंगे। ये जो वायर फ्रेंड्स हमने अपने एम्पियर मीटर से आउट कराया है और अपने NO पुश बटन में दिया है, ये इसलिए दिया है कि जब हम मोटर को स्टार्ट करेंगे उस टाइम हमें देखना होता है कि हमारी मोटर कितने एम्पियर ले रही है। तो जब हम अपने स्टार्ट पुश बटन को ऑन करेंगे तो हमारा जो एम्पियर मीटर है ये हमें एम्पियर शो करेगा। हम NO पुश बटन से आउट करा के वायर को ले जाएंगे फ्रेंड्स स्टार्टिंग कैपेसिटर के एक टर्मिनल पर और दूसरे टर्मिनल से आउट करा के हम कनेक्शन प्लेट में जो एक टर्मिनल है उसमें कनेक्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स जो हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर है उसकी वायरिंग पूरी हो गई है। इसके बाद करते हैं हम अपनी रनिंग कैपेसिटर की वायरिंग को। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा कॉन्टैक्टर से एक वायर गया था कनेक्शन प्लेट के लिए, हम इससे कनेक्ट करके एक वायर को लेके आएंगे और अपने रनिंग कैपेसिटर में कनेक्ट कर देंगे और दूसरे टर्मिनल से आउट करके जो हमारा वायर आया था स्टार्टिंग कैपेसिटर से उस वायर में ही कनेक्ट कर देंगे। तो इस कंडीशन में फ्रेंड्स हमारे दोनों कैपेसिटर एक दूसरे के सीरीज़ में हो गए हैं, जिससे हमारी जब मोटर को स्टार्ट करेंगे तो हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर काम करेगा और उसके बाद फ्रेंड्स जब मोटर हमारी रनिंग कंडीशन में आ जाएगी तो रनिंग कैपेसिटर काम करने लगेगा और जो हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर है वो ऑटोमेटिक बाईपास हो जाएगा। इसी के साथ फ्रेंड्स अब कर लेते हैं हम अपने न्यूट्रल की वायरिंग। तो हम कनेक्शन प्लेट से न्यूट्रल के वायर को उठाएंगे और जो हमारा कॉन्टैक्टर है उसमें जो थर्ड नंबर की टर्मिनल है उसमें कनेक्ट कर देंगे और कॉन्टैक्टर से आउट कराकर फ्रेंड्स जो हमारी कनेक्शन प्लेट है उसमें कनेक्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स अब करते हैं हम अपने कॉन्टैक्टर का होल्डिंग पॉइंट बनाते हैं उसकी वायरिंग। तो फ्रेंड्स जो हमारा ये NO पुश बटन है इसमें बेसिकली हमारे चार टर्मिनल होते हैं, लेकिन इमेज में दो टर्मिनल वाला ही मिला है फ्रेंड्स मुझे, मैंने वही ले लिया। हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि हमारे पास चार टर्मिनल हैं NO पुश बटन में। तो फ्रेंड्स जो हमारे एम्पियर मीटर से सप्लाई ली थी हमने एम्पियर मीटर के आउट वाले टर्मिनल से और NO पुश बटन में इनपुट दिया था, वहीं से हम एक लूप लेके NO पुश बटन के दूसरे टर्मिनल में दे देंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अब यहां से हम सप्लाई को आउट करेंगे और जो हमारा कॉन्टैक्टर है उसमें दो पॉइंट होते हैं A1 A2। तो फ्रेंड्स जो हमारा A1 पॉइंट होता है वो कॉन्टैक्टर की होल्डिंग के लिए होता है, तो हम इस वायर को कॉन्टैक्टर के A1 में कनेक्ट कर देंगे। और फ्रेंड्स अब करते हैं हम अपने स्टॉप पुश बटन की वायरिंग। तो स्टॉप पुश बटन की वायरिंग करने के लिए हमें जो हमारे कॉन्टैक्टर में एक टर्मिनल बचा हुआ है उसमें फेज की सप्लाई दे देंगे, कॉन्टैक्टर से आउट करा के एक वायर को लाएंगे और जो हमारा स्टॉप पुश बटन है यानी NC पुश बटन उसमें कनेक्ट कर देंगे और NC पुश बटन से आउट करा कर फ्रेंड्स जो वायर हमारा कॉन्टैक्टर के A1 के लिए गया था हम उसमें कनेक्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स हमारी मोटर को स्टार्ट और ऑफ़ कराने के लिए तो हमारी वायरिंग हो गई है,
लेकिन अब हमारे वायरिंग बचती है इंडिकेटर के लिए और हमारे वोल्ट मीटर के लिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम अपने इंडिकेटर की वायरिंग कर लेते हैं। तो जो हमारा वायर गया था A1 के लिए, वहीं से हम एक लूप लेके इंडिकेटर को दे देंगे फ्रेंड्स, क्योंकि जब हमारी मोटर ऑन होगी यानी हमारा कॉन्टैक्टर जब होल्ड हो जाएगा तभी ये हमारा इंडिकेटर ग्लो करने लगेगा। और फ्रेंड्स जो हमारा वोल्ट मीटर है उसके लिए मैंने एक पुश बटन लिया है। पुश बटन इसलिए लिया है फ्रेंड्स, जब हम अपनी मोटर को स्टार्ट करेंगे तो एम्पियर तो शो करती रहेगी, लेकिन अगर हमें वोल्टेज चेक करने होंगे तो जब हम इस पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा वोल्ट मीटर वोल्टेज शो करेगा। इसकी वायरिंग के लिए फ्रेंड्स जो हमारा MCB से आउट हुआ है, हम उस वायर को लाएंगे और पुश बटन के एक टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे और दूसरे टर्मिनल से आउट कराकर वोल्ट मीटर के एक टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे फ्रेंड्स। और इसी के साथ हमारी फेज की वायरिंग कंप्लीट होती है। अब करते हैं हम अपने न्यूट्रल की वायरिंग। तो फ्रेंड्स न्यूट्रल की वायरिंग करने के लिए हमें कॉन्टैक्टर में न्यूट्रल देना है अभी, और हमारे इंडिकेटर को न्यूट्रल देना है, और जो वोल्ट मीटर बचा है फ्रेंड्स उसके दूसरे टर्मिनल में भी न्यूट्रल हमें देना है। तो फ्रेंड्स कॉन्टैक्टर को तो मैंने न्यूट्रल उसके पास से दे दिया है, और वहीं से हम उस वायर को लेके आएंगे अपने इंडिकेटर के पास, उसी को इंडिकेटर में कनेक्ट कर देंगे और उसी वायर को वोल्ट मीटर के बचे हुए टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे फ्रेंड। इसी के साथ हमारी न्यूट्रल की भी वायरिंग कंप्लीट हो जाएगी। और अब बचती है फ्रेंड्स हमारी अर्थिंग की वायरिंग। हमारी जो कनेक्शन प्लेट है फ्रेंड्स, इससे हम अर्थिंग के वायर को लेंगे और हमारा जो ये बॉक्स है फ्रेंड इसमें हम कहीं भी कनेक्ट कर देंगे अपने अर्थिंग के वायर को। तो इसी के साथ साथ फ्रेंड हमारी फेज की वायरिंग, न्यूट्रल की वायरिंग और अर्थिंग की वायरिंग टोटल कंप्लीट हो गई है। और हमने आज सीखा है पावर वायरिंग और कंट्रोलिंग वायरिंग कैसे की जाती है किसी भी समरसेबल मोटर की। तो फाइनली फ्रेंड्स हम अपनी मोटर में इन वायरों को कनेक्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारी मोटर से न्यूट्रल के लिए, रनिंग के लिए और स्टार्टिंग के लिए जो वायर निकलेंगे हम उन्हें कनेक्ट करते हैं। न्यूट्रल के वायर को न्यूट्रल पे कनेक्ट कर लेंगे और रनिंग के वायर को रनिंग पे कनेक्ट कर लेंगे, स्टार्टिंग के वायर को स्टार्टिंग पे कनेक्ट कर लेंगे। तो ब्लैक वाला हमारा न्यूट्रल का वायर है, रेड वाला हमारा रनिंग का वायर है और येलो वाला फ्रेंड्स हमारा स्टार्टिंग का वायर है। तो फ्रेंड्स अगर आप किसी नए स्टार्टर में वायरिंग कर रहे हैं तो मेरी इस वीडियो को देख के जैसे जैसे मैंने वायरिंग की है वैसे आप कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपको सीखना है कि वायरिंग कैसे की जाती है तो आप किसी भी एक स्टार्टर के पास अपने एम्पियर मीटर को लेके जाओगे, उसे कंटिन्यूटी मोड पे सेट कर लेना और जैसे मैंने इस वीडियो में बताया है कि कौन सा वायर कहाँ जा रहा है वैसे ही आपको वो वायर ट्रेस कर लेना है फ्रेंड्स। कंटिन्यूटी मोड पे ही बीप का साउंड आएगा। तो फ्रेंड्स आप किसी भी स्टार्टर को लेके वायरिंग करनी सीख सकते हो, और अगर नई वायरिंग करनी है फ्रेंड्स तो मेरी इस वीडियो से आप नई वायरिंग भी कर सकते हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।